नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एनडीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अर्चना कौशल, जो आपके लिए लेकर आती है हर बार कुछ चटपटी और स्पेशल स्टोरीज। तो दोस्तों आज आपके लिए क्या है स्पेशल, आइए देखते हैं। रामायण से जुड़े इतिहास के बारे में जानने की जिज्ञासा हर किसी की होती है। कहा जाता है कि श्रीलंका में आज भी रामायण से जुड़े कई ऐतिहासिक स्थल मौजूद हैं, जिनके बारे में हर कोई जानना चाहता है। ये स्थल भगवान श्री राम और रावण से जुड़ी कई सच्चाई बयां करता है। एक रिसर्च के मुताबिक पुरातत्वविदों ने श्रीलंका में 50 से अधिक ऐसे स्थलों को खोजने का दावा किया है जिनका संबंध रामायण काल से है। इस रिसर्च में ये भी दावा किया गया कि रावण का शव आज भी एक गुफा में मौजूद है। ये गुफा श्रीलंका के रेगला के घने जंगलों में स्थित है। हालांकि रावण की मृत्यु कब हुई थी इसका कोई प्रमाण मौजूद नहीं है, लेकिन बताया जाता है कि भगवान श्री राम के हाथों उसके वध को 10,000 साल से भी ज्यादा हो गए हैं। कहा जाता है कि रेगला के जंगलों में 8,000 फुट की ऊंचाई पर एक गुफा मौजूद है जहां रावण के शव को मम्मी बनाकर एक ताबूत में रखा गया है। बताया जाता है कि ताबूत पर एक खास किस्म का लेप लगाया हुआ है जिसकी वजह से हजारों सालों से वो वैसा का वैसा ही है। श्रीलंका के इंटरनेशनल रामायण रिसर्च सेंटर द्वारा किए गए रिसर्च के मुताबिक जिस ताबूत में रावण का शव रखा हुआ है उसकी लंबाई 18 फीट और चौड़ाई 5 फीट है। कहा जाता है कि इस ताबूत के नीचे रावण का बेशकीमती खजाना दबा हुआ है जिसकी रखवाली एक भयंकर नाग और कई खूंखार जानवर करते हैं। मान्यताओं के अनुसार जब भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था उसके बाद उसके शव को अंतिम संस्कार के लिए विभीषण को सौंप दिया था, लेकिन विभीषण ने राजगद्दी संभालने की जल्दी में रावण का शव वैसे ही छोड़ दिया। कहा जाता है कि उसके बाद रावण के शव को नागकुल के लोग अपने साथ ले गए क्योंकि उन्हें पूर्ण विश्वास था कि रावण की मौत क्षणिक है। वो रावण के शव को मम्मी बना दिया ताकि वो सालों तक सुरक्षित रहे। रिसर्च में ये भी खुलासा किया गया है कि रावण की अशोक वाटिका और उसका पुष्पक विमान कहाँ उतरता था। इसके अलावा रिसर्च में भगवान हनुमान के पैरों के निशान खोजने का भी दावा किया गया है। हालांकि इन सभी चीजों की प्रामाणिकता अभी तक सिद्ध नहीं हुई है। दोस्तों अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई तो हमारी स्टोरी को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल को करिए सब्सक्राइब।